हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ दिल्ली का मशहूर शरबत, मोहब्बत है शरबत, यानी मोहब्बत का शरबत। गाइस, समर आ गया है, समर में रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीना बहुत ज़रूरी है एंड रमज़ान टाइम चल रहा है, तो ये ऐसा आप ड्रिंक बना करके पी सकते हो। ये काफ़ी टेस्टी लगता है, बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं एंड इसमें वाटरमेलन ये सब है, तो ये आपके पेट को ठंडक भी पहुँचाएगा और काफ़ी हेल्थी है गाइस। तो आप प्लीज इसे वॉच करिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने 2 ग्लास के करीब चिल्ड मिल्क ले लिया है। आपको ये शरबत बनाने से पहले 1 से 1.5 घंटे पहले आपको मिल्क को फ्रीज में रख देना है नॉर्मली, तो ये ठंडा हो जाएगा। देन इसके बाद मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम यूज़ कर सकती हो, तो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून एंड थोड़ा सा और ज़्यादा, मतलब हाफ, वही 2.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे शुगर ऐड कर लिया, पाउडर शुगर। देन इसके बाद आपको रोज सीरम ऐड करना है, तो यहाँ पे मेरा 2 टेबल स्पून मैं रोज सीरम ऐड कर रही हूँ। आप एक रू अफ़ज़ा आता है मार्केट में, उसे भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही ईजिली मिल जाता है मार्केट में। देन इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब आप मिक्स करोगे ना, तो ये पिंकिश कलर में आ जाएगा, काफ़ी देखने में सुंदर लगेगा, बनाने में भी बड़ा मज़ा आता है। देन ये देखिए इस तरीके का हो गया है। देन हम इसे साइड में रख देंगे। उसके बाद हम वाटरमेलन लेंगे एंड इसको क्या करना है, हमें स्क्वायर कट करने हैं, छोटे छोटे से हमें स्क्वायर शेप देना है। इस तरीके से आप कट कर लीजिए, आप देख सकते हो काफ़ी टेस्टी है। समर में तो रिफ्रेशिंग ड्रिंक के तौर पे आप इसे पी सकते हो, रमज़ान चल रहा है, रमज़ान टाइम में भी आप इसे पी सकते हो, गेस्ट को दे सकते हो, फैमिली को दे सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा। देन आपको इस तरीके से कट कर लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा। और ये मेन इंग्रेडिएंट है इस शरबत का, सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही है, मतलब एक तरफ से समझ लीजिए आइडल है इस ड्रिंक का, वाटरमेलन काफ़ी बहुत ज़रूरी होता है इसे डालना और ये काफ़ी अच्छा लगता है। तो आपको इस तरीके से कट कर लेना है, इसके बीज को निकाल देना, और इसके बीज बहुत ही ईजिली निकल आता है, क्योंकि आप जब स्क्वायर कट करोगे तो इसके बीज ऑलरेडी अपने से रिमूव होने लगते हैं और कुछ कुछ रह जाते हैं, तो आप अपने हाथों से इसे निकाल सकती हैं। तो हमने इस तरीके से पूरे को कट कर लिया एंड इसके बीज को भी निकल गया, ये ऑलरेडी निकल गया। देन इसके बाद हम इसको मिल्क में डाल देंगे, इस तरीके से आपको डाल देना है। देन इसको अच्छे से चला दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आइस क्यूब डालिए, तो मैंने आइस क्यूब यहाँ पे 4 to 5 ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो मिल्क है चिल्ड है, इसलिए हमने 4 to 5 आइस क्यूब डाला है। एंड जो थोड़े बहुत बच जाते हैं काग बीज, इस तरीके से वो निकल आते हैं, ऊपर ऊपर आ जाते हैं, तो आप इसको निकाल सकते हो। देन अब हम इसे सर्व करेंगे, तो आपको चिल्ड ही सर्व करना है, काफ़ी टेस्टी लगता है, काफ़ी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, काफ़ी हेल्थी है, मिल्क है एंड वाटरमेलन है, तो आप समझ सकते हो कितना ठंडक पहुँचाएगा, डिहाइड्रेशन की कमी नहीं करता है वाटरमेलन, तो आप इसको बना के पी सकते हो, बहुत ही ईजी है। एंड इसके बाद आप इसको इस तरीके से ग्लास लीजिए एंड इसको इस तरीके से आपको सर्व करना है। तो गाइज, ये कहना कि ये काफ़ी पिंक कलर में है, बट थोड़ा सा वीडियो में लाइट की वजह से ये थोड़ा सा वाइट कलर में दिख रहा है, वरना ऐसे ही बहुत ही पिंक कलर में आता है। उसके बाद आप उसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पे फिर से 2-3 और आइस क्यूब डाल रही हूँ। देन इसके बाद हम वाटरमेलन के जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं उसको भी ऊपर ऊपर से डाल देंगे। आपके पास अगर रोज़ पेटल है तो आप ऊपर से रोज़ पेटल से भी डेकोरेट कर सकते हो, आप डेकोरेट के लिए कुछ भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में। देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, काफ़ी इंजॉयबल रहा होगा। सो गाइस, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।